पिछले वीडियो में हमने एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप पे बात किया था, रिफ्रैक्टिंग टाइप एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, इसके बेसिक्स पे हमने बात किया था और ये देखा था कि इसका मैग्निफिकेशन कितना होगा जब इमेज जाके इन्फिनिटी में बनेगा। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं आपको स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि वो वीडियो आप पहले देख ले, नहीं तो बहुत सारी बेसिक चीजें जो है वो क्लियर नहीं हो पाएगा। हम उसी वीडियो से आगे बढ़ रहे हैं, इसीलिए और भी जरूरी है कि आप वो वीडियो जरूर देख लें। अगर आप देख चुके हैं तो इसे कंटिन्यू करें। अब हम एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का रिफ्रैक्टिंग टाइप, इस टेलीस्कोप का मैग्निफिकेशन पे बात करेंगे, लेकिन अब जो इमेज बनेगा वो बनेगा लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। पिछले केस में क्या हो रहा था, इन्फिनिटी में जाके बन रहा था इमेज। देखे सिचुएशन कुछ ऐसा था, डायग्राम देखे, ये फाइनल इमेज, इन दोनों को आगे बढ़ाएं तो आपको आगे चल के यहां पर एक फाइनल इमेज मिलेगा। तो अब हमें कहीं बीच में इमेज को बनाना है, कहां पर, कहीं ऐसे इस जगह पे कहीं पे इमेज बनेगा लीस्ट डिस्टेंस फॉर डिस्टिंक्ट विजन पे। वो क्या होता है, इससे पहले भी हमने एक वीडियो पर बात किया है, वो होता है वो डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस जहां पर कि हम चीजों को आसानी से देख पाते हैं। तो अब क्या है, अब हमें इमेज को बीच में यहां पर कहीं बनाना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए देखिए इस लेंस को हम एडजस्ट करेंगे, हम किसी तरह से इसे पोजीशन करेंगे कुछ ऐसे कि जो इमेज है वो बीच में बने। वो हम कैसे करेंगे, अगर यहां से हम इस लेंस को कुछ इधर शिफ्ट करते हैं इस तरफ, तो अब सिचुएशन क्या होगा, देखिए इसका जो फोकस था, इसका फोकस भी शिफ्ट कर गया, यहां जो था फोकस, इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात किया था फोकस यहां बन रहा था इस लेंस के लिए, इस आईपीस के लिए। अब इस लेंस को अगर शिफ्ट करेंगे, उसका फोकस और इस लेंस के बीच का जो डिस्टेंस है जिसे कि फोकल लेंथ कहते हैं वो तो फिक्स्ड है, तो ऑब्वियस ही बात है यहां जो फोकस था अब ये भी शिफ्ट कर जाएगा इधर। तो चलिए फोकस जो है, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस इसका यहां पर आ गया क्योंकि हमने लेंस को शिफ्ट किया है, और ये इसका सेकंड प्रिंसिपल फोकस। अब अगर डायग्राम ड्रॉ करते हैं हम तो देखें कैसा होगा। सो यहां से लाइट रेज, इसे हम इसके लिए ऑब्जेक्ट मानेंगे, तो लाइट रेज यहां से ऐसे बाहर निकलेगा और कुछ ऐसे यहां फोकस से पार होगा, और एक ड्रॉ करेंगे हम ऐसे यहां से। अब देखें अगर इनको हम आगे प्रोसीड कर देते हैं तो एक जगह जाके ये मीट करेंगे, इसे कर दिया प्रोसीड और इसे भी हमने कर दिया प्रोसीड आगे की तरफ, तो एक सर्टेन जगह पे ये जाके मीट कर रहे हैं, कहां पर, यहां पर। तो इमेज जो है अब फाइनल इमेज जो है यहां पर बनेगा, जैसा कि हमने बात किया, इसे हम कुछ इस तरह से एडजस्ट करेंगे इस आईपीस को ताकि जो इमेज है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बने। तो ऑब्वियस ही बात है ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक का डिस्टेंस वो डी होगा, डी से हम लीस्ट डिस्टेंस फॉर डिस्टिंक्ट विजन को डिनोट करते हैं। और हम कहां से देख रहे हैं, हम यहां से देख रहे हैं, सो यहां आंखों से इस इमेज तक का डिस्टेंस है डी, और हम जो ऑब्जर्व करते हैं ये लेंस के बहुत क्लोज होके ऑब्जर्व करते हैं, तो हम ये मान लेंगे लेंस से इस इमेज का जो डिस्टेंस है लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से वही डिस्टेंस है आंखों से भी, ये बहुत बहुत क्लोज होगा। तो अब देखे क्या सिचुएशन है, पिछले वाले केस में तो ये फोकस था, अब तो ये फोकस नहीं है, अब ये क्या है, ये इसके लिए, इस लेंस के लिए अब ये हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ये इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, आईपीस का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ये यहां से यहां तक जो है ये इमेज डिस्टेंस है। सो ये हो गया वीई। देखिये वीई जब हम लिख रहे हैं तो हम एक सर्टन डायरेक्शन को भी इंडिकेट कर रहे हैं, लेकिन डी जब लिख रहे हैं तो हम उस सर्टन डायरेक्शन को इंडिकेट नहीं कर रहे हैं क्योंकि डी एक लेंथ है, और यहां पर वीई जो है, जो इमेज डिस्टेंस है, इसे मेजर किया जाता है लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से, बेसिकली हम यहां से यहां तक का डिस्टेंस को कंसिडर करते हैं। सो आगे बढ़ते हैं, अब देखें हमें क्या पता लगाना होगा, हमें पता लगाना होगा एंगुलर मैग्निफिकेशन। उसके लिए देखें ये जो एंगल है ये अल्फा था, दैट मीन एंगल मेड बाय द ऑब्जेक्ट, इससे पहले वाला वीडियो में हमने बात किया था, और ये जो है ये बीटा बनेगा, एंगल मेड बाय द इमेज। देखिए ये इमेज है, सो ये इमेज जो है पूरा का पूरा इमेज आंखों में इतना एंगल सबटेंड कर रहा है, इतना एंगल, जिसे कि हमने बीटा से डिनोट किया है। अब देखिए अल्फा और बीटा का जो रेशियो होगा, मुझे कहना चाहिए बीटा और अल्फा का रेशियो जो होगा यहां पर, एंगुलर मैग्निफिकेशन होगा ये, एंगुलर मैग्निफिकेशन
ये क्या होता है, ये होता है, ये होता है एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज बीटा डिवाइडेड बाय एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट अल्फा। हमने इसे पहले काफी बार बात कर लिया है कि अल्फा और बीटा ये दोनों एंगल्स बहुत छोटे होंगे तब जाके जो डेरिवेशन है हम इसका कर सकते हैं और जो फॉर्मूला है उसे डिराइव कर सकते हैं। सो जो भी फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन का, चाहे वो टेलीस्कोप हो, चाहे वो माइक्रोस्कोप हो, सिंपल हो या कंपाउंड हो, उसके लिए जो भी डेरिवेशन हम करते हैं, जो भी फॉर्मूला हमें मिलता है, उनके लिए अल्फा और बीटा बहुत छोटे होते हैं। तो हमें पता है बहुत छोटे एंगल्स के लिए हम कह सकते हैं कि बीटा इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ बीटा और अल्फा इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ अल्फा। अब यहां से आगे बढ़े और टेंजेंट ऑफ बीटा और टेंजेंट ऑफ अल्फा के लिए वैल्यू चलिए पता लगा लेते हैं। तो टेंजेंट ऑफ बीटा दैट मीन इस ट्राइंगल में हमें कंसीडर करना होगा, टेंजेंट ऑफ बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो यहां पर ये जो परपेंडिकुलर है इसे एक नाम दे देते हैं, ये क्या है, एक हाइट है, इमेज का हाइट है, तो मैं इसे नाम दे देता हूं चलिए एच। वैसे तो एच हम ऑब्जेक्ट के हाइट को डिनोट करते हैं एच से, तो यहां पर मैं एच डैश कर देता हूं चलिए। तो अब हम यहां से कहेंगे कि ये क्या हो जाएगा, फिर ये किसके बराबर हो जाएगा, देखिए ये बराबर हो जाएगा एच डैश डिवाइडेड बाय यू ई। अब देखिए ये यू ई जो हम मेजर करते हैं ये नेगेटिव साइड में मेजर कर रहे हैं, नेगेटिव साइड इन द सेंस की कन्वेंशन के हिसाब से लाइट रेज चूंकि इस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रहा बाई और से दाहिनी और हम जो इसे मेजर कर रहे हैं यू ई को, जैसे कि इसे मेजर किया जाता है लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से, तो हम उसके अपोजिट डायरेक्शन में प्रोपोगेट करते हुए मेजर कर रहे हैं, तो बेसिकली इसे निगेटिव कंसिडर किया जाता है। तो ये जो है ये निगेटिव होगा। जैसे ही हम यहां पर साइन कन्वेंशन को इंट्रोड्यूस करते हैं तो अगर कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आगे आप सॉल्व करें और फॉर्मूला अप्लाई करें तो वहां फिर से साइन कन्वेंशन कंसीडर करेंगे तो फिर दो साइन कन्वेंशन एक दूसरे के साथ मिलके एक दूसरे को नलिफाई कर देगा और उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा। तो ये ध्यान रखें, पिछले वीडियो में हमने इस पर बात किया था, आगे और भी बात करेंगे हम। सो ये तो हो गया टेंजेंट ऑफ बीटा डिवाइडेड बाय टेंजेंट ऑफ अल्फा। तो उसके लिए ये वाला ट्राइंगल देखे, इस ट्राइंगल में टेंजेंट ऑफ अल्फा दैट मीन ये जो साइड होगा, ये जो हाइट है, ये वाला हाइट यहां पर, ये जो हाइट है एच डैश डिवाइडेड बाय ये जो लेंथ है, ये वाला लेंथ। तो ये वाला लेंथ क्या होगा, फिर यहां तक का जो डिस्टेंस होगा ये होगा ऑब्वियस सी बात है इसका फोकल लेंथ, क्योंकि ये पॉइंट जो है ये ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए फोकस है, ये वाला पॉइंट। देखिए लाइट रेज जो इंसिडेंट कर रहे हैं, सबसे पहले इन लाइट रेज को कंसीडर करें, ये एक दूसरे के साथ पैरेलल है, साथ ही साथ प्रिंसिपल एक्सिस के साथ भी पैरेलल है, तो वो जहां पर जाके कन्वर्ज करेंगे वो होगा उसका फोकस, सेकंड प्रिंसिपल फोकस। तो ये इसका सेकंड प्रिंसिपल फोकस है, तो ऑब्वियस सी बात है ये लेंथ जो होगा इसका फोकल लेंथ होगा। सो इसका फोकल लेंथ एफ ओ, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। यहां पर देखिए एफ ओ हमेशा पॉजिटिव होगा क्योंकि लाइट रेज जो है इस डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रहा और एफ ओ को हम उसी डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, तो ये पॉजिटिव होगा, तो इसके लिए साइन कन्वेंशन कंसीडर करने का जरूरत नहीं है, दैट मीन वो पॉजिटिव होगा मुझे कहना चाहिए। सो नेगेटिव साइन यहां पर नहीं आएगा। तो अब ये जो हो जाएगा टेंजेंट ऑफ अल्फा इज इक्वल टू एच डैश डिवाइडेड बाई एफ ओ। यहां से आगे बढ़ते हैं, कैंसिल कर देते हैं इस एच डैश और एच डैश को, तो हमारे पास बचा हुआ रहेगा एफ ओ डिवाइडेड बाय नेगेटिव ऑफ यू ई। सो उस नेगेटिव साइन को हम चलिए यहां पर लिखते हैं ये। तो अब ये हो गया एक इंटरमीडिएट फार्मूला, फाइनल फार्मूला तक हम नहीं पहुंचे, इंटरमीडिएट फार्मूला हो गया एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का जो मैग्निफिकेशन होता है उसका, और जब इमेज जाके बनेगा लीस्ट डिस्टेंस फॉर डिस्टेंट विजन में। यहां अगर मान ले सिर्फ इसी इंफॉर्मेशन को आपको यूज करना, आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो मान ले एफ ओ बताया गया आपको और यू ई भी बताया गया है, दोनों पॉजिटिव टर्म में बताया जाएगा। यू ई दैट मीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर दिस लेंस, दिस आई पीस, ये बता दिया गया मान ले कि ये है 5 सेंटीमीटर, और ये जो एफ ओ है बताया गया कि ये 1 मीटर है। तो यहां पर अगर आप फिर से साइन कन्वेंशन कंसीडर करेंगे और इसे नेगेटिव 5 सेंटीमीटर कंसीडर करेंगे तो ये जो फाइनल एक्सप्रेशन आपको मिलेगा नेगेटिव 1 मीटर, तो इसे 100 सेंटीमीटर कर देते हैं, डिवाइडेड बाय नेगेटिव 5 सेंटीमीटर, तो ये 20 हो जाएगा मैग्निफिकेशन 20। लेकिन मैग्निफिकेशन तो नेगेटिव होना चाहिए क्योंकि इमेज जो है देखिए इन्वर्टेड हो रहा है,
और ये नेगेटिव साइन मैग्निफिकेशन का ये बताता ही है कि इमेज जो है ये इन्वर्टेड है, तो यहां इसे नेगेटिव होना है। इसका मतलब कि हम फिर से यहां पर साइन कन्वेंशन कंसिडर नहीं कर सकते क्योंकि एक बार हम यहां कर चुके हैं। सो मैं इस केस की बात कर रहा हूं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की, और ये हम माइक्रोस्कोप के केस में भी कंसिडर करते हैं ऐसे ही। तो आगे बढ़ते हैं, तो साइन कन्वेंशन यहां कंसिडर नहीं करना है। अब देखिए ये जो है यूई, ये एक इंटरमीडिएट टर्म है, नॉर्मली ये हमें पता नहीं होता है, ये गिवन नहीं होता है, पर हम किसी तरह से इस यूई को इंटररिलेट कर सकते हैं इसका जो फोकल लेंथ होगा एफई और साथ ही साथ वीई के साथ, वीई जो कि डी के बराबर है। वैसे साइन कंसिडर करें तो वीई इज इक्वल टू नेगेटिव डी होगा, मैं उस पे बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं न्यूमेरिकली ये दोनों बराबर होंगे, इन दोनों का वैल्यूज बराबर होंगे। तो फिर इन तीनों को अगर इंटररिलेट करते हैं हम यूई वीई और एफई फोकल लेंथ ऑफ आईपीस, तो देखिए हमें क्या मिलेगा। हमें पता है एक इस तरह का फॉर्मूला हम यूज करते हैं, वो फॉर्मूला क्या है कि किसी लेंस के लिए 1 डिवाइडेड बाय इमेज डिस्टेंस माइनस 1 डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय उसका फोकल लेंथ। अब यहां पर हमें साइन कन्वेंशन कंसिडर करना होगा, तो साइन कन्वेंशन कंसिडर करने के लिए मैं क्या करता हूं, इसके साथ यूई के साथ एक न्यूमेरिक वैल्यू असाइन कर देता हूं। दैट मीन यूई पॉजिटिव हो नेगेटिव हो वो बाद की बात है, लेकिन इसका जो वैल्यू है, इसका जो एब्सोल्यूट वैल्यू है, वो एब्सोल्यूट वैल्यू के है। तो हम इसी फॉर्मूला को कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये बराबर होगा नेगेटिव एफ ओ डिवाइडेड बाय के। ये के क्या है, ये के इसी का एब्सोल्यूट वैल्यू है, और चूंकि हमने यहां साइन कन्वेंशन कंसिडर किया था इसका मतलब ये यूई जो है इसे हम पॉजिटिव ही कंसिडर कर रहे थे। जैसे कि एग्जांपल लिया था मैंने 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 5 सेंटीमीटर और ये नेगेटिव साइन, ये था मैग्निफिकेशन। तो हम देखे यहां नेगेटिव 5 कंसिडर नहीं कर रहे थे, हम यहां पर 5 कंसिडर कर रहे थे। दैट मीन हमेशा हम यूई को पॉजिटिव कंसिडर कर रहे थे क्योंकि साइन कन्वेंशन हमने यहां इंसर्ट कर लिया है, तो इसीलिए ये इसका एब्सोल्यूट वैल्यू है। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं आगे हम इस पर बात करेंगे। सो के को इंट्रोड्यूस करने का जो रीजन था वो ये था कि अब हम कहेंगे ये वीई किसके बराबर है। सो ये वीई ये बराबर होगा, देखिए वीई को हम मेजर कर रहे हैं इस डायरेक्शन में और डी इसका वैल्यू है, तो चूंकि हम इस डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं तो इसे नेगेटिव कंसीडर किया जाता है, तो ये बराबर हो जाएगा नेगेटिव डी के। डी एक एब्सोल्यूट वैल्यू है, ये हमेशा पॉजिटिव है, सो इसे हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे। सो वीई इज इक्वल टू नेगेटिव डी। अब यूई यूई को भी नेगेटिव कंसीडर किया जाएगा, वही लॉजिक है, इस डायरेक्शन में हम मेजर कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में लाइट रेज प्रोपोगेट कर रहा है, तो ये होगा नेगेटिव के। इसीलिए के को इंट्रोड्यूस किया गया था क्योंकि ये बड़ा अटपटा दिखता है ये लिखना यूई इज इक्वल टू नेगेटिव यूई, सो इसीलिए के उसका एब्सोल्यूट वैल्यू के तौर पे इंट्रोड्यूस किया गया है। और एफ ई चूंकि ये सेकंड प्रिंसिपल फोकस होता है तो ये हमेशा पॉजिटिव कंसिडर किया जाता है, सो एफ ई इज इक्वल टू एफ ई। सो इन वैल्यूज को जब हम यहां पर पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखे वीई के जगह नेगेटिव डी, तो ये हो गया 1/d का नेगेटिव वैल्यू, और यूई चूंकि नेगेटिव के है सो ये हो जाएगा पॉजिटिव 1/k इज इक्वल टू 1/fe। यहां से आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए हमें क्या चाहिए, देखें हमें यहां से 1/k का वैल्यू चाहिए, यहां से हम इसे कह सकते हैं नेगेटिव एफ ओ इंटू 1/k। सो इस वैल्यू को हम यहां पर पता लगाएंगे, सो 1/k इज इक्वल टू 1/fe प्लस 1/d। तो हम यहां 1/k के जगह यहां पर हम इस वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन एक और तरीका है, थोड़ा और बेहतर दिखेगा अगर हम यहां से 1/fe को कॉमन आउट कर लेते हैं। आप पूछ सकते हैं 1/d को क्यों नहीं कॉमन आउट करते हैं, तो यहां पर इतना एलिगेंट नहीं होगा फॉर्मूला। देखिए जैसे ही हम 1/fe को कॉमन आउट करते हैं सो k के जगह 1/k के जगह 1/fe होगा यहां पर, तो देखिए fo डिवाइडेड बाय fe, फॉर्मूला थोड़ा एलिगेंट बनेगा। सो 1/fe को जैसे ही हम कॉमन आउट करते हैं तो ब्रैकेट के अंदर हमें मिलेगा 1+fe डिवाइडेड बाय d। सो ये जो टर्म है इसे अब हम 1/k के जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो एंगुलर मैग्निफिकेशन, चलिए एक टर्म असाइन कर देते हैं m। सो एंगुलर मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू नेगेटिव
FO into 1 over FE into ये वाला जो टर्म है. So 1 over FE को मैं यहां पर FO के डिनोमिनेटर में रख देता हूं. FO divided by FE कर सकते हैं हम ऐसा, into 1 plus FE divided by D. तो ये हो गया मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला. ध्यान रखें हमने साइन कन्वेंशन कंसीडर कर लिया है, जो भी वैल्यूज आपको बताया जाएगा अगर कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हैं. क्योंकि मैग्निफिकेशन को फाइनली नेगेटिव ही होना है क्योंकि इन्वर्टेड ही बनेगा इमेज, तो यहां पर फिर से साइन कन्वेंशन कंसीडर नहीं करना है. इसे 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 और इसे सबको आपको पॉजिटिव ही कंसिडर करना है, उनका एब्सोल्यूट वैल्यूज को ही कंसिडर करना है. तो ये हो गया मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला फॉर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप ऑफ रिफ्रैक्टिंग टाइप, जबकि इमेज बनेगा लीस्ट डिस्टेंस फॉर डिस्टेंट विजन पे. तो आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा. इस वीडियो को यहीं खत्म किया जाए. आगे के वीडियोस में हम और भी तरह तरह के मुद्दों पर बात करेंगे. तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में. तब तक के लिए गुड बाय.